हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो आपने मॉडल के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ और करते हैं आज, ठीक है? तो जैसे कि आज अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, लेट एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय टू, जो आपके कंप्रेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें से वो क्वेश्चन लिया है मॉडल में से। क्या है कि लेट एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स बाय टू इज इक्वल टू एफ वाई माइनस वन होल डिवाइड बाय टू प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये टर्म जो है हमारे पास ये गिवन दे रखा है, ठीक है, कि इस टाइप से ये टर्म है, सॉरी ये प्लस एक्स वाई भी इसमें इंक्लूड है, ये हमारे पास है। और एक्स वाई क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। वे एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है, एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल टू वन। क्या कंडीशन गिवन दे रखी है कि एफ डैश जीरो वो किस इक्विवेलेंट दे रखा है, वन के इक्विवेलेंट, एंड जी एक्स बी अ डेरिवेबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। जी एक्स भी बता रखा है कि डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड फॉलोज द फंक्शनल रूल। क्या रूल फॉलो कर रहा है, जी एक्स प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी वाई होल डिवाइड बाय के, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू जीरो एंड टू। लेट जी डैश जीरो इज इक्वल टू लैम्डा। जी डैश जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको तीन क्वेश्चंस में डिवाइड कर रखा है पार्ट को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, डोमेन ऑफ लॉग एफ एक्स। तो अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर या एनी रियल नंबर बट नॉट जीरो। सी ऑप्शन है रियल नंबर, सी ऑप्शन क्या है, रियल नंबर, और डी ऑप्शन है नेगेटिव रियल नंबर आर माइनस। ठीक है, तो लॉग ऑफ एफ एक्स, तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन ही नहीं है, हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स, इस टाइप से फॉर्म में। एफ एक्स कोई गिवन फंक्शन नहीं है एफ एक्स, तो हम कैसे डोमेन फाइंड आउट करें? तो सबसे पहले हमारे लिए क्या काम हुआ कि हमें एफ एक्स फाइंड करना चाहिए। तो एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि क्या टर्म बन रही है कि एफ एक्स प्लस वाई माइनस का एफ एक्स होल डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू, ये टू एलसीएम ले लेते हैं, तो एफ वाई माइनस वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई होल डिवाइड बाय टू। एक थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, हमारे पास टू से टू हट गया यहां पर, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस वाई माइनस का एफ एक्स, ये हमें टर्म मिल गई, ठीक है। लेकिन अभी भी बात ये हो रही है कि हमें एफ एक्स नहीं मिल रहा, तो क्या करते हैं, एक बार हमने क्या करा कि x और y की वैल्यू, लेट x इक्वल टू y इक्वल टू जीरो, हमने x और y को क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, जो कि इस टाइम क्वेश्चन ऑलरेडी आपने फंक्शन टाइप में किए हैं कि x और y को कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू निकल के आ जाती है। किए थे कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में किए थे आपने। तो अगर हमने ये जीरो जीरो पुट किया तो ये टर्म क्या बन गई, जीरो माइनस का एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस वन, और एक्स वाई जीरो लिया है तो ये तो जीरो ही हो गया, तो एफ जीरो माइनस एफ जीरो कैंसल आउट हो गए, और यहां बचा जीरो और एफ जीरो माइनस वन, यही टर्म बच रही है। तो यहां से आपको निकल के आ गया कि एफ जीरो की वैल्यू क्या है, वन है, और एफ डैश जीरो की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, और यहां से क्या निकल गया है, एफ जीरो की वैल्यू वन है। ये हुआ। अब इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है, ये एफ जीरो इक्वल टू वन और ये टर्म हमने निकाली है, तो इससे हमें क्या है मिल रही है, एक बार करके देखते हैं। तो लिमिट आप जो एफ डैश एक्स निकालते हैं, पहले अपन डिफरेंशियल फॉर्म निकाल लें कि एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, ये करते हैं डिफरेंशियबल फॉर्म। अब जो ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है ना, इसको आप इससे लिंक कर लो, मतलब x तो x है और h को आपने क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है, यहां से क्लियर है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ये टर्म लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, लिमिट s टेंस टू जीरो, क्लियर है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये टर्म है हमारे पास। तो y, y क्या था, यहां आप लिख लीजिए कि x तो रिप्रेजेंट कर रहा है x को ही, और y रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, h को। तो ये आपकी टर्म बन गया एफ वाई, मतलब कि एफ एच माइनस वन एज इज है,
प्लस टू एक्स वाई, तो एक्स तो एक्स ही था लेकिन एच क्या है, वाई की जगह आ गया एच आ गया, होल डिवाइड बाय एच, ये टर्म बन गई। अगर इसको सेपरेट किया जाए तो क्या टर्म बन रही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच, और यहां एस एस कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या आ गया टू एक्स, और लिमिट की भी बात करें तो यहां अब एच है ही नहीं तो क्या रहेगा, ये तो टू एक्स ही रह जाएगा। हमें सॉल्व किसको करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां से अब आपको दिख रहा है कि एफ जीरो की वैल्यू, अगर एच की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है आपके पास वन, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, और डिवाइड में भी जीरो, तो ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। तो जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है तो आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज में लेते हैं। तो आपने यहां से लिया यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यहां पर यूज कर रहे हैं आप, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि यहां तो ये ऐसे ही रहेगा, एच है ही नहीं हमारे पास। यहां जब हम यूज कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो जाएगा एफ डैश एच माइनस वन का, तो कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो गया, और एच कितना हो गया वन प्लस टू एक्स, ठीक है। अब जब आप एच की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हो तो एफ डैश जीरो प्लस टू एक्स हो गया, और एफ डैश जीरो की वैल्यू आपके पास गिवन थी कितनी वन, तो आपके पास एफ डैश एक्स जो निकल के आया वो आया वन प्लस टू एक्स, क्लियर हुआ यहां से, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि हमने एफ डैश एक्स क्यों निकाला, हमको तो निकालना क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एफ एक्स निकालना था। तो जब आपका एफ डैश एक्स निकल चुका है तो एफ एक्स भी निकल ही जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप कॉपी कर लिया आपने, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, क्लियर हुआ यहां तक कैसे किया हमने, पहले वही फंक्शन के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया, और फिर डिफिनेशन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इस रूल को यूज करते हुए एक्सपेंड कर दिया, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट अब जो इसमें देख रहे हैं, आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल चुकी है तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड, और इंटीग्रेट जब आप कर देते हैं इस वाली फॉर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आपको मिल रहा है, इधर तो मिल जाएगा एफ एक्स इंटीग्रेट करने के बाद, और ये क्या मिल जाएगा वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और टू एक्स का क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गए, प्लस सी ये मिल रहा है। तो एफ एक्स आपके पास निकल के आ गया कितना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, एफ एक्स निकल के आ गया, लेकिन अभी भी दिक्कत दे रही है सी, तो सी कैसे निकालें। तो आपने अभी निकाली थी एफ जीरो की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी निकाली थी वन निकाली थी ना, यहां लिख के रखिए कि एफ जीरो भी आपने फाइंड आउट कर लिया कितना वन कर लिया है, तो ये आपने मिटा दिया है। तो यहां से जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो ये एफ जीरो ये तो जीरो हो गया, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी थी वन, तो सी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई। तो आपका जो फंक्शन था वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्लियर हुआ। और क्वेश्चन में पूछा गया था लॉग ऑफ एफ एक्स, मतलब के लॉग, और एफ एक्स की कंडीशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये टर्म आ गई, बेस कुछ भी नहीं है। अब लॉगरिथम का डोमेन आपको क्लियर है कि लॉगरिथम का डोमेन आपने क्या लिखा था, लॉगरिथम के डोमेन के लिए आपने कहा कि लॉग ए एक्स ये कंडीशन है। तो एक्स डोमेन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, लॉग का डोमेन क्या होता है कि जो ये एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं, जीरो पे इनफाइनिट को माइनस इनफिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए एक्स की होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यहां से जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो डोमेन मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें कंडीशन क्या आ जाएगी, ये अपने पास क्या मिल जाएगी जीरो से अबव। तो अब देख रहे हैं कि ये तो एक्स स्क्वायर है, यहां से तो सारी पॉजिटिव मिलेगी, ये प्लस का वन है, दिक्कत रही कहां पर एक्स, तो ये एक्स तो अभी कंडीशन तो सारी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू अगर जीरो से वन के बीच में रखते हैं, माइनस वन से जीरो के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, और ये वन से जब अपन सॉल्व करेंगे मतलब माइनस 0.5 प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 0.5 ही आएगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये तो हमेशा क्या देगा, आप कुछ भी पुट करो हमेशा क्या देगा ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, हमेशा क्या देगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि आपका आंसर क्या है कि ये ग्रेटर देन जीरो जाना चाहिए, तो ये आप कुछ भी पुट कीजिए ये आपका आंसर क्या जाएगा, ग्रेटर देन जीरो ही जाएगा। तो आपके ऑप्शन में था ये क्या था, आर पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव रियल वैल्यूज ही ले रहे हो, जबकि हमने देखा नेगेटिव रियल वैल्यू लेने पे भी क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव का ही जा रहा है, क्लियर हुआ। और इसने कहा कि आर माइनस जीरो, तो आप ऑप्शन से ही देख सकते थे कि आर माइनस जीरो, तो जीरो लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वन बच रहा है ना, और वन इज ग्रेटर देन जीरो, और आर ये आपका आंसर आ ही चुका है, एनी रियल वैल्यूज, क्लियर हुआ। आया सन में क्या ऑप्शन था, तो इसका जो कॉम्प्रेंशन पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें, वह रेंज ऑफ y इज इक्वल टू log एफ एक्स टू द बेस 3/4, जो कि ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी टू 1, 3/4 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या फिर रियल नंबर। तो एफ एक्स ऑलरेडी आपने निकाल लिया था, कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपने सॉल्व किया था अभी इसको, ठीक है। तो अब ये है, अब यहां बेस 3/4 दे रखा है, तो बेस लेस देन, आपने ग्राफ ध्यान है लॉग के, एक तो ग्राफ इस टाइप से जा रहा था और एक ग्राफ कैसे जा रहा था, इस टाइप से। ये कहां पर था कि x की वैल्यू 1 पे, y क्या दे रहा था, 0, और यहां पर भी क्या दे रहा था, 1 पुट करने पे 0। बस ये कंडीशन थी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी और यहां पर a की वैल्यू लेस देन 1 बट 0 से अबव। ये दो ग्राफ आपने स्टडी किए थे लॉगरिथम फॉर्म में। तो अब जो कि बेस हमारे पास ये वाला ग्राफ है, क्योंकि 1 से लेस देन, ए क्या है 3/4, जो कि 1 से लेस देन है, तो इसकी कंडीशन अगर ये जा रहा है, ये कहां पर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे हम 0 पे जाएंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन आप 0 ले सकते हो, क्योंकि क्या है 3/4 जो कंडीशन है वो क्या है, 1 से लेस देन है। तो जैसे हम 0 के पास जा रहे हैं, कंडीशन x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहां x नहीं है, यहां कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये टर्म है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले एफ एक्स के लिए हम सॉल्व करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 या 0 से अबव है, ठीक है, तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या सॉल्व करते हो कि x का कोएफिशिएंट जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा 1/2, मतलब 1/2 का स्क्वायर। रफ में देखें क्या कर रहे हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर एड और सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है, और प्लस 1 ऑलरेडी है, तो अब ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इन तीन टर्म को लेके बन गया। अब माइनस का 1/2, माइनस का 1/4 बच रहा है और प्लस का 1 बच रहा है, तो कितना आ जाएगा 3/4, तो ये टर्म क्या आ जाएगी 3/4, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या टर्म बना देंगे कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये टर्म बन रही है। तो हमने क्या देखा कि ये टर्म x प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज ऑलवेज, इसको हम यहां ऐसे करते हैं, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई स्क्वायरिंग टर्म है ना, ये टर्म क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, 0 या 0 से अबव आएगी, इसमें टर्म ऐड क्या हो रही है 3/4, तो हमने क्या करा, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बोथ साइड ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन गई, एफ एक्स बन गया, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 3/4 या 3/4 से ज्यादा, तो कुछ स्टूडेंट यहां तक करते ही इसको टिक कर देते हैं 3/4 से इंफिनिटी, एफ एक्स क्या था, वाई था ना, तो वाई की वैल्यू, वाई क्या होता है, रेंज ही होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/4 या 3/4 से अबव, तो ये टिक हो गया। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू log fx 3/4, अभी तो हमने fx के लिए सॉल्व किया है कि fx की वैल्यू क्या होगी, या तो 3/4 या 3/4 से अबव, ठीक है। तो अगर आप 3/4 पुट करते हैं, अगर हमने 3/4 पुट कर लिया तो log 3/4 इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, बेस और वैल्यू और बेस दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, अगर 3/4 पुट करते हैं तो इसका आंसर कितना मिल गया 1, और 3/4 आ कहां रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो आप ले रहे हो एफ एक्स, और ये तो एफ एक्स कंडीशन है, एफ एक्स कंडीशन जो है वाई की वैल्यू 3/4 जो आपके पास मिली, ठीक है, तो वो यहां मिल रही है। अब बढ़ाते जा रहे हो आप, इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो वो कहां जाएगा, आप यहां जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो तो कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी का,
हमको इसको रिवर्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि इसकी रेंज क्या हो रही है, जो आप कंडीशन है 3/4 या 3/4 से अबाउ जा रहा है तो इसकी रेंज क्या आ रही है। ये हो गया अपने पास 3/4 और 3/4 पे वन आंसर आ रहा है। अब मैं यहां वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, यहां इस वाली कंडीशन पे वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा और ग्राफ में देखिए तो यहां से वैल्यू आप जब पुट करते हैं, यहां पर पुट किया तो आपने आंसर वन दिया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको क्या जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और कहां पर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। तो हम ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि 1 to माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, हम क्या लिखेंगे इसकी रेंज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्लियर हुआ, जल्दीबाजी में टिक मत कर देना 3/4 टू इन्फिनिटी। ये तो सिर्फ एफ एक्स के लिए निकाला, क्वेश्चन हमारा है लॉग एफ एक्स टू द बेस 3/4, तो इसका आंसर कितना आया, ए ऑप्शन, किसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्लियर हुआ, क्लियर नहीं है तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको, आया सन में। एक पॉइंट और है इसमें, क्वेश्चन थर्ड इसी कंप्रेंशन का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें, इफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि आपका निकला था एफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या निकला था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड y इक्वल टू जी एक्स, जो भी है, इंटरसेक्ट इन कोइंसिडेंट पॉइंट्स, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, द लैम्डा, इसमें क्या आ रहा है, द लैम्डा कैन टेक वैल्यूज, लैम्डा क्या था, लैम्डा को ध्यान है, जी डैश जीरो की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, लैम्डा, लैम्डा कैन टेक वैल्यूज या तो 3 है, 1 है, माइनस 1 है या फिर 4 है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या कर सकते हैं, तो कोई इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब अपन करते क्या है इसको कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कर देते हैं, लेकिन यहां से हमें एफ एक्स तो पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लेकिन जी एक्स नहीं पता, ये पता ना जी एक्स, तो जिस टाइप से हमने क्या निकाला था, एफ डैश एक्स निकाला था, फिर एफ एक्स निकाला था, अब सिमिलर जी एक्स वाली कंडीशन के लिए हमको इस टाइप से दे रखा है, जैसे एफ एक्स एफ के लिए इस टाइप से दे रखा था, जी वाली फॉर्म के लिए दे रखा है, तो हम जी डैश भी निकाल लेते हैं। तो जी डैश एक्स लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब इसको कैसे ब्रेक करें, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां डिवाइड में के भी है। अब ये के क्या चल रहा है, तो यहां टर्म क्या चल रही है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां टर्म क्या चल रही है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर और के नॉट इक्वल टू जीरो एंड टू, जीरो और टू नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। तो हम अज्यूम कर लें के की वैल्यू क्या ले लें, यहां से वन ले लें, कि हमने कंसिडर कर लिया कि के इक्वल टू क्या ले लिया, लेट के इक्वल टू 1, तो जी एक्स प्लस, ये 1 हो गया, तो जी एक्स प्लस वाई किसमें एक्सपेंड हो गया, एक्स प्लस जी एक्स प्लस जी वाई, तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास जी डैश एक्स जो टर्म है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, तो ये टर्म हो जाएगी जी एक्स प्लस जी एच, एक्स प्लस एच वाली टर्म के लिए हो गया जी एक्स प्लस जी वाई, के तो अपन ने क्या ले लिया, 1 ले लिया ना, और माइनस का ये जी एक्स एस टीज है होल डिवाइड बाय एच, यहां से क्या दिख रहा है, जी एक्स से जी एक्स कैंसिल आउट हो गए, तो टर्म क्या बच रही है, जी डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एच बाय एच, ये टर्म बच रही है। अब एच की वैल्यू जीरो पुट करते तो जी जीरो हो गया और डिवाइड में जीरो हो गया, तो जी जीरो की वैल्यू क्या है, यहां से वही दिक्कत आ गई, तो जैसे हमने एफ जीरो की वैल्यू निकाली थी, यहां से निकाल लेते हैं, लेट एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड के इक्वल टू 1, इस फॉर्म में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जी जीरो बन जाएगा ये, और इधर क्या बन जाएगा, जी जीरो या अभी के के नहीं लिया हमने, ठीक है के नहीं लिया हमने, तो जी जीरो प्लस जी जीरो डिवाइड बाय के, ये टर्म बन गई। तो क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, के टाइम्स ये के इधर आ जाएगा, तो के टाइम्स ऑफ जी जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी जीरो, सिंप्लीफाई करते हैं तो के माइनस 2 बचेगा इधर और जी जीरो कॉमन आ जाएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ जी जीरो के इधर शिफ्ट किया तो क्या कॉमन आ गया, जी जीरो कॉमन आ गया, के माइनस 2 बचा, तो के माइनस 2 तो नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्यों होगा, के की वैल्यू क्योंकि क्या है नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब जी जीरो की वैल्यू ही क्या है,
जीरो है, क्योंकि ये तो क्या है, नॉट इक्वल टू टू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से आपको जी जीरो की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो मिल गई। तो अब आप यहां जब एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं जीरो, तो जी जीरो बाय जीरो, जी जीरो बाय जीरो मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई आपके पास। और जीरो बाय जीरो फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगी। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है तो आप क्या करते हैं, इसको आप यूज करते हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल। तो जी डैश एक्स की वैल्यू आप क्या मिल गई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जी डैश एच और नीचे क्या गया वन। अब जब आप पुट कर रहे हैं जीरो तो आपको क्या मिला, जी डैश जीरो, ये मिल जाएगा ना। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश जीरो, और जी डैश जीरो की वैल्यू आपके पास गिवन थी कितनी, लैम्डा, आ गया सन में। तो जी डैश एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली, लैम्डा मिली। लेकिन हमें जी डैश एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, जी एक्स चाहिए, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हम कर पाए। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको, इसे कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे करते हैं, फिर करें आगे। तो अब यहां इसको क्लीन कर लेते हैं। अब जी डैश एक्स इक्वल टू लैम्डा है, जी डैश एक्स इक्वल टू लैम्डा है, तो इंटीग्रेट किया आपने तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस सी। अब एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो ये जी जीरो आप किस पे चेक कर रहे हो, एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हो, तो जी जीरो ये जीरो हो जाएगा प्लस सी। जी जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, जी जीरो की वैल्यू आपने निकाली थी, ये भी आप लिख लीजिए यहां पर, जी जीरो की वैल्यू कितनी निकाली थी, जीरो निकाली थी ना। तो ये सी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो। तो आपके पास जो जी एक्स फंक्शन था वो क्या मिल गया, वो मिल गया आपको लैम्डा एक्स। जी एक्स फंक्शन जो मिला वो क्या मिला आपको, सिर्फ लैम्डा एक्स, तो सी की वैल्यू तो क्या होगी, जीरो। अब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, तो अब आप यहां सॉल्व करते हैं, क्योंकि को इंटरसेक्ट है और कोइंसिडेंट पॉइंट्स है, तो कोइंसिडेंट पॉइंट मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट निकल के आ रहा होगा। तो कैसे निकालें, एफ एक्स आपके पास था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स आपके पास निकल के आया लैम्डा एक्स। इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया आपने तो ये हो गया वन माइनस लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब ये कंडीशन क्या है, तो फॉर कोइंसिडेंट पॉइंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, तभी तो वैल्यू निकाल पाओगे आप। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये लेते हो ठीक है। तो यहां से b क्या है, बी स्क्वायर मतलब के 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब माइनस 4 हो गया, इसको जीरो के ब्लेंड कर रहे हैं हम, तो आ गया हमारे पास 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 2 ले रहे हो आप, वन माइनस लैम्डा की वैल्यू प्लस 2 ले रहे हो, तो प्लस 2 जब इधर शिफ्ट हुआ तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, और अगर माइनस 2 ले रहे हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3। कोई है इसमें से ऑप्शन में, यस माइनस 1 तो है आपके पास, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, नहीं 3 भी है। तो क्या पॉइंट मिल गया आपको, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 एंड 3 मिल गए, तीनों पॉइंट एक कंप्रेशन आपको दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमने तीन पॉइंट्स जो किए थे सॉल्व कर लिए। तो क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या किया हमने, क्लियर हुए तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ एन माइनस वन एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एफ जीरो एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें दे रखा है और हमें प्रूव क्या करना है, देन शो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स एंड सो ऑन अप टू कहां तक, एफ एन एक्स तक, ठीक है। ये ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर मतलब ये एन की वैल्यूज हैं कि अपन ऑर्डर नहीं सॉरी एन की वैल्यूज है कि एन की वैल्यू वन पुट करना, टू पुट करना, थ्री पुट करना एंड सो ऑन। तो कैसे करें, सिंपल से इसको डिफरेंशिएट फॉर्म बोल रखा है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं जो कंडीशन है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका डिफरेंशिएट करना है, एफ एन एक्स इस फॉर्म का, ठीक है।
इसको हम डिफरेंश, इसको लिख क्या रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम e टू द पावर एफ एन माइनस वन एक्स, ये टर्म है ना। अब अगर इसको आप x बोलते हो तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो क्या आ गया e की पावर एफ एन माइनस वन एक्स, ये टर्म आ जाएगा। फिर जिसको आपने x माना था उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किसका, एफ एन माइनस वन एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब ये क्या टर्म है हमारे पास, तो एफ एन आर एफ एन एक्स आपके पास टर्म है, ठीक है, और इसी में आपको एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रखा है, तो सारी कंडीशन आपको यही चेक करनी है। तो एफ एन एक्स आपके पास है तो एफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा, जहां एन है वहां अपन एन माइनस वन लगा देंगे, ठीक है, तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, ये तो e की पावर एफ एन एक्स, ये टर्म तो क्या बन गया, ये तो बन गया आपके पास एफ एन, ये टर्म तो ये थी ना गिवन। और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसको, e टू द पावर एन माइनस वन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर एन माइनस टू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई, एफ एन माइनस वन यहां एन की जगह पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ एन माइनस वन एक्स, और यहां एन माइनस वन गया तो हमारे पास हो जाएगा e की पावर एफ एन माइनस टू एक्स, क्लियर हुआ ना, एक ही टर्म कम होती जा रही है। तो अब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये टर्म तो हमारे पास एस चीज है, एफ एन एक्स इंटू ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स, तो ये ई की पावर एफ एन माइनस टू एक्स रह गया, किसका डिफरेंशिएशन, जिसको हमने एक्स माना है, किसको माना था एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स किसको माना था, एफ एन माइनस टू एक्स को हमने एक्स माना था, अब इसका डिफरेंशिएशन कर, ठीक है, तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हुए चलना है आपको, और कुछ नहीं, एफ एन एक्स इंटू ई की पावर एफ एन माइनस टू एक्स को क्या लिखा है आपने, ई की पावर एफ एन माइनस टू एक्स को क्या लिखा है, एफ एन माइनस वन एक्स, क्लियर है। फिर डिफरेंशिएट करना है आपको इसका, तो इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म दे रखी है इसको क्या कर रहे हो, अब एफ एन हमारे पास गिवन है, तो एफ एन माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स एन है, सॉरी जहां जहां एन है वहां क्या कर देंगे, एन माइनस टू कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एफ एन माइनस थ्री एक्स, ये हुआ। तो आपको डिफरेंशिएट करना है ई की पावर एफ एन माइनस थ्री एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या टर्म बन रही है, ये दो टर्म तो ऐसी जा रही है, एफ एन एक्स एफ एन माइनस वन एक्स इंटू ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स, मतलब कि एफ एन माइनस थ्री एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका, एफ एन माइनस थ्री एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो क्या बन रहा है, एफ एन एक्स इंटू एफ एन माइनस वन एक्स इंटू ई की पावर एफ एन माइनस थ्री, क्या है ई की पावर एफ एन माइनस थ्री को क्या लिखा आपने, एफ एन माइनस टू एक्स, इस टाइप से बना। तो आपको टर्म पकड़ में आई, क्या टर्म चलती जा रही है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये हो जाएगा एफ एन माइनस थ्री एक्स, चाहे आप सॉल्व करके देखिए, यहां पर अब ये टर्म बता दी ना आपको, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, तो ये चलता जाए कहां तक, ये एन फैक्टोरियल टर्म चल रही है, तो ये बन जाएगा एफ वन, क्योंकि ये दिख रहा है ना आपको एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन फिर एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, ये टर्म चलती जा रही है अप टू कहां तक, वन तक, तो ये तो आ जाएगा वन, और डिफरेंशिएट फॉर्म क्या रह जाएगी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एन माइनस एन, तो ये बन जाएगा आपका एफ जीरो एक्स, ठीक है, ये आपकी टर्म क्या बन जाएगी, एफ जीरो एक्स, और लास्ट टर्म ये कहां तक आ जाएगा, ये देखो टर्म क्या बन रही है, एफ वन आ गया, और वो उससे एक टर्म कम हो गई एफ जीरो, यही टर्म थी ना आपका, देखो वापस चेक कंपेयर कर लेते हैं अपन, कहां से किया, ये एफ एन है, ठीक है, एफ एन के बाद क्या आ रहा है, एफ एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, ये टर्म चलती जा रही है, और यहां से आप डिफरेंशिएट फॉर्म जो करते जा रहे हो, एक ही टर्म कम करते हुए जा रहे हो, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब एफ जीरो एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी है कितनी, एक्स, तो इसकी जगह एफ जीरो एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे, इसकी जगह आप क्या कर दोगे, एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वन, तो आपके पास सीरीज क्या बन गई, एफ एन एक्स
एफ एन माइनस वन एक्स एफ एन माइनस टू इंटू इंटू नहीं सॉरी एक्स इस टाइप चलता जा रहा है और ये क्या बन गया एफ वन, ठीक है। और एफ वन ये कंडीशन बन रही है और इसका क्या आ गया डिफिनेशन वन हो गया है तो यहां एक्स कंडीशन रहेगी ना, ये कंडीशन क्या बन गई, ये वाला टर्म क्या बन गया, एक्स का डिफिनेशन कितना हो गया वन हो गया, आया समझ में आपको। तो ये टर्म क्या बन गई, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हो ना, सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर और ये टर्म चल जाएगी एफ एन तक, ये सम बन जाए, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बन जाएगी, क्लियर है ना भाई। वन इंटू टू इंटू थ्री है तो उसको अपन लिखते हैं ना थ्री इंटू टू इंटू वन, या थ्री इंटू टू इंटू वन को वन इंटू टू इंटू थ्री लिखते हैं। तो क्लियर हुआ आपको, हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करा था, सिंपलेस्ट इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, क्लियर हो गया, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ हंड्रेड डॉट एफ डैश हंड्रेड की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी। तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, तभी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये एक्स प्लस, जैसे हम ये एक्स प्लस ये कंडीशन देख रहे हैं तो एक्स को छुपा रहे हैं तो ये हमें एफ एक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर वन अपॉन टू एक्स कंडीशन इस टाइप से देखते हैं अपन तो ये भी एफ एक्स नहीं कंडीशन मिलती हुई जा रही, या फिर हम इस टाइप से देख रहे हैं तो ये भी हमें क्या नहीं दिख रहा, ये टर्म क्या नहीं दिख रही, एफ एक्स नहीं दिख रही ना, मतलब टर्म छुपाते ही वापिस फॉर्म एफ एक्स बननी चाहिए तो नहीं बन रही। यहां एक्स है, अगर यहां टू एक्स होता तो 2x प्लस वन अपॉन कंडीशन थी तो 2x प्लस वन अपॉन यहां से अपना ये y बन जाता, मतलब fx कंडीशन बन जाती, लेकिन नहीं है। तो इसको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, यहां तक क्लियर है ना आपको ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, हम यही कर लेते हैं, इसको यहां पर जो है इसको हम लिख लेते हैं एक्स प्लस एक्स, ये लिख लिया। अब देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इसको हमें छुपा लिया, तो अब आपका क्वेश्चन ये बन गया एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस समथिंग चलता जा रहा था तो ये टर्म बनती जा रही थी, एक्स प्लस से स्टार्ट था तो यहां एक्स प्लस से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो मतलब यहां से जो टर्म बन रही है ये वाई बन गई आपके पास, यहां से ये टर्म जो मिलती हुई जा रही है ये वाई बन गई, क्लियर हो गया ना। तो आपने इसको ब्रेक किया तो टर्म क्या बन गई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन ये हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब कि एफ एक्स, या तो इसको वाई बोल दो या फिर इसको एफ एक्स लिख दिया, क्लियर हुआ। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जो कि बहुत इजी टर्म में निकाल सकते हैं आप। कैसे, इसको एक्स को इधर शिफ्ट कर लीजिए, एफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है, इधर क्या रहा वन अपॉन एक्स प्लस एफ एक्स, ये रहा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, इधर इक्वल टू वन है तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं ना। चाहिए क्या डिफरेंशिएशन फॉर्म चाहिए आपको, डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स का एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 1 कितना हो गया 0, क्लियर हुआ यहां से। तो यहां से 2 कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास टर्म क्या बच रही है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इधर इक्वल कर दिया आपने x, अब तो क्लियर हो गया आपको आंसर क्या आ गया इसका, क्या पुट करना है, x जगह 100 पुट कर दीजिए तो एफ 100 एफ 100 एफ डैश 100 इज इक्वल टू 100, ये वैल्यू पूछी थी आपसे कितनी आ गई 100, क्लियर हुआ। बस दिक्कत थी कि इस फॉर्म को कैसे ब्रेक करें, आप और भी कर सकते थे कि यहां 2x बनाने के लिए क्या करते x प्लस x और माइनस x कर देते, ठीक है, आप ये भी कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता। तो ये क्लियर हुआ क्या किया हमने, इसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। बस कोशिश कीजिए डिफरेंशिएशन के अंदर कि आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है उसके बाद डिफरेंशिएट करें, ठीक है।